जेल से बाहर आते ही खतरों से खेलेंगे शजान, झेलेंगे रोहित शेट्टी का टॉर्चर। टीवी पर जल्द ही रोहित शेट्टी का धमाकेदार शो खतरों के खिलाड़ी दस्तक देने वाला है। रोहित शेट्टी के शो के लिए अभी तक शिव ठाकरे, अर्चना गौतम और अंजुम पकी जैसे नाम सामने आए थे। वहीं हाल ही में रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी 13 से शजान खान का नाम भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि शजान खान रोहित शेट्टी के धमाकेदार शो में एंट्री मार सकते हैं। शो के खातर उन्होंने ट्रैवल परमिट के लिए भी आवेदन दे दिया है। बता दें कि तनुषा शर्मा के निधन के बाद से ही शजान खान काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शजान खान खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए विदेश उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन उनका मामला अभी कोर्ट में लंबित है। इससे शो में उनकी एंट्री पर रोक भी लग सकती है। बताया जा रहा है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए शजान खान ने कोर्ट में ट्रैवल परमिट का आवेदन दाखिल किया है। हालांकि इन सभी मामलों पर अभी तक शजान खान की ओर से कोई कमेंट नहीं आया है। बता दें कि शजान की तरह ही बीते साल मुनव्वर फारूकी भी खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा बनते बनते रह गए थे। शजान खान के अलावा ये देखा जा रहा है कि टीवी के कई सितारों को भी अप्रोच किया गया है। इस लिस्ट में मनस्वी वशिष्ठ, शरद मल्होत्रा, सुमेध मुद्गलकर, अंजलि अरोरा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं रूही चतुर्वेदी, अंजलि आनंद और अर्चना गौतम जैसे सितारे खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए कंफर्म किए जा चुके हैं। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 13 में प्रियंका चहर चौधरी के शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। बताया गया है कि उन्होंने शो के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 13 से कदम पीछे खींच लिया है। फिलहाल आप बताएं शजान खान को खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में देखने के लिए क्या कुछ है आपकी राय? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।